हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक कैश बुक। शुरू के तीन वीडियो लेक्चर में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने टू कॉलम कैश बुक और थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने थ्री कॉलम कैश बुक को डिस्कस करा और एक एग्जाम सभी टॉपिक्स को हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा भी। इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में हम थ्री कॉलम कैश बुक को ही डिस्कस करेंगे, बट इसमें हमने एक नई चीज़ ली है कि हमें कैश एट बैंक की जगह एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, दूसरी चीज जब हमें चेक मिलता है और हम उसको सेम डे जमा नहीं करवाते हैं तो उसको हमने चेक इन हैंड की जगह इस बार कैश कंसीडर किया है। इन दो नई चीजों के साथ हम इस एग्जांपल को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड, मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 20,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट, इस बार हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, यानी कि बैंक का माइनस बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, जिसे हम क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव द चेक फॉर ₹4,000 एंड डिपॉजिटेड इट सेम डे इनटू द बैंक। हमने 4,000 का माल बेचा और जो चेक मिला उसको सेम डे हमने बैंक में जमा करवा दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स ₹5,000 एंड एंडोर्स इट टू वाई। हमें एक्स से चेक मिला और वो चेक हमने वाई को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब है हमने वाई को चेक दे दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास रिसीव चेक फ्रॉम राम ₹2,000। हमें राम से 2,000 का चेक मिला, बट यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि हमने इसको डिपॉजिट कब करवाया। ये चीज हमें 12 अप्रैल को दी हुई है कि जो राम से चेक हमें 10 अप्रैल को मिला था उसको 12 अप्रैल को हमने बैंक में जमा कराया, यानी कि 10 को चेक मिला और 12 को बैंक में जमा करवाया। नेक्स्ट है हमने 5,000 का पेमेंट करा बाइक चेक और कैश परचेज, कुछ हमने सामान परचेज करा था उसका पेमेंट हमने तुरंत करा और चेक से करा। नेक्स्ट है जेड को हमने 6,800 दिए चेक से और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है ₹200। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है एक कोई पर्सन है मिस्टर ए हु ओड अस, जो हु ओड अस का मतलब हम उससे पैसा मांगते हैं, वो हमारा ऋणी है। कितने रुपए से ऋणी है, देखो वो हमारा ₹8,000 से। ही बिकेम इनसॉल्वेंट, वो दिवाली हो गया और उस पर्सन ने हमें 50% पैसा ही दिया। वापस समझ लीजिए, मिस्टर ए को एक तरीके से हमने कभी कुछ उधार दे रखा था, लोन दे रखा था, कुछ भी समझ लीजिए, वो बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और हमें सिर्फ 50% पैसा मिला। इन सभी ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखते हुए हमें तैयार करनी है थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें तीन कॉलम बनाने होते हैं। एक कॉलम होता है डिस्काउंट का, एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। ऐसे ही क्रेडिट साइड में हो जाएगा डिस्काउंट, कैश, बैंक, और जो अपना फर्स्ट कॉलम है डेट, फिर पर्टिकुलर, और इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी हो जाएगा डेट एंड पर्टिकुलर। ये जो डेबिट साइड है ये हमारी रिसिप्ट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो हमारी पेमेंट साइड है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है ₹2,000। हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। उसी 1 अप्रैल को ही हमें बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे इसे बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है सोल गुड्स एंड रिसीव द चेक फॉर ₹4,000। हमने सामान बेचा 4,000 रुपए का और पैसा चेक से मिला और तुरंत चेक बैंक में जमा भी हो गया। इसकी एंट्री हमारी बनेगी, एंट्री देख लीजिए पहले एक बार। अच्छा एक चीज और, ये एंट्री हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ कैश बुक बनानी है, ये वाला पार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपको रफ में करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने सामान बेचा चेक से तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रीजन, अगर चेक से सामान बेचा और उस चेक को हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया तो रिसीवर कौन हो गया यहाँ पे, बैंक। और हम रूल जानते हैं डेबिट द रिसीवर। हमने सामान बेचा, गुड्स हमारे यहाँ से जा रही है तो गुड्स को क्रेडिट कर देंगे, गुड्स की जगह हम सेल्स अकाउंट यूज करेंगे और एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम बैंक में लिख देंगे टू सेल्स और अमाउंट आ जाएगा हमारा ₹4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमें एक्स से चेक मिला और उसको हमने वाई को एंडोर्स कर दिया। देखिए ये भी एक नया ट्रांजेक्शन है हमारे पास, हमें एक्स से चेक मिला तो चेक मिलने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि एक्स इज द गिवर और पैसा बैंक में आ रहा है। लेकिन हमने ये चेक वाई को एंडोर्स कर दिया तो नाउ हु इज द रिसीवर, वाई। एंडोर्स का मतलब हमने वाई को दे दिया तो हु इज द रिसीवर, वाई। और जो चेक आया था वो हमारे यहाँ से चला गया तो चेक की जगह हमने लिख दिया बैंक। तो इस केस में दो एंट्री बनी हमारी, बैंक टू एक्स और वाई टू बैंक। अगर हम या तो एक तरीका है कि हम दोनों एंट्री कैश बुक में उतारें तो हमें दो ट्रांजेक्शन डालने पड़ेंगे, या इसका अगर ऑल्टरनेट सोचें तो हमने बैंक को पहले डेबिट करा और फिर हमने बैंक को क्रेडिट करा, बैंक डेबिट भी हो रहा है बैंक क्रेडिट भी हो रहा है, तो ये कट जाएगा, ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा।
अब हमारी एंट्री बच गई y अकाउंट डेबिट टू x. अगर अपन आउटकम निकालें दोनों एंट्री का तो निकल के आएगी एंट्री y टू x. अब ये एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी क्योंकि ना तो इस एंट्री में कोई डिस्काउंट का यूज हो रहा है, ना कैश का, ना बैंक का, इसलिए हमने इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में नहीं डाला है. और अगर हम डालते तो हमें पहले तो 2x लिखना पड़ता बैंक कॉलम में, फिर बाय y लिखना पड़ता बैंक कॉलम में. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं रिसीव चेक फ्रॉम राम रुपीज 2000 रुपीज. हमें राम से 2000 रुपए का चेक मिला तो एंट्री हो जाएगी हमारी इसकी. लेकिन इस चेक को हमने सेम डे जमा नहीं करवाया, तो मैंने आपको बताया इस बार हम इसको चेक इन हैंड नहीं मान रहे हैं, हम इसको क्योंकि कुछ ऑथर्स इसको कैश मानते हुए डील करते हैं, तो हमने माना है कि हमें जो चेक मिला और हमने सेम डे जमा नहीं कराया तो एक तरीके से अभी हमें कैश मिला है, तो कैश मिलने की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि कैश आ रहा है और राम इज द गिवर. फिर जब हमने इस कैश को बैंक में जमा करवा दिया, यानी कि उस चेक को बैंक में जमा करा दिया जिस चेक को हमने कैश माना है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो हमें दो एंट्री करनी है. पहले एंट्री हम कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम, हमने लिखा टू राम और कैश में अमाउंट आ गया 2000 रुपीस. फिर हमने लिखा बैंक टू कैश, इसमें बैंक भी फैक्ट हो रहा है और कैश भी, ये हमारी हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री. देखिए कैसे बनाएंगे हम. अगर हम बैंक पहले बैंक कॉलम को देखें तो बैंक कॉलम में बैंक का नाम नहीं आएगा, हमने कैश को क्रेडिट करा है तो हम डेबिट कर देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश. अब हम ये माने कि हम कैश कॉलम बना रहे हैं तो कैश कॉलम में कैश का नाम नहीं आएगा, हमने बैंक को डेबिट करा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सी मतलब कॉन्ट्रा. टू कैश लिख के अमाउंट तो आएगा बैंक कॉलम में और बाय बैंक लिख के अमाउंट आएगा कैश कॉलम में. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रहा है पेड रुपीज 5000 बाय चेक फॉर कैश परचेज. हमने 5000 का सामान परचेज करा, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, गुड्स आ रहे हैं डेबिट टू कम से, पैसा जा रहा है बट पैसा बैंक से जा रहा है, बैंक इज द गिवर, परचेज टू बैंक, तो बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, परचेज को हमने डेबिट करा है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय परचेज और अमाउंट हो जाएगा 5000 रुपीज. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है पेड टू जेड रुपीज 6800 बाय चेक एंड डिस्काउंट रुपीज 200. हमने जेड को पैसे दिए तो हु इज द रिसीवर, जेड इज द रिसीवर, चेक से पेमेंट करा है तो टू बैंक, हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, Z के सामने आके 7000, बैंक के सामने 6800, डिस्काउंट के सामने 200. बैंक के कॉलम में बैंक का नाम नहीं आएगा, हमने Z को डेबिट करा है तो हम कहाँ लिख देंगे इसको, क्रेडिट साइड में बाय Z, बैंक में 6800 और डिस्काउंट में आ जाएगा 200. नेक्स्ट हम लेते हैं अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रहा है ए हमारा ऋणी है, यानी कि हमें ए से पैसा लेना है, हमने उसको उधार दे रखा था 8000 और वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने हमें 50% पैसा दिया, कैश अकाउंट डेबिट 4000, पैसा आ रहा है. अब जब पैसा डूब जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ये हमारा लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और हु इज द गिवर, ए इज द गिवर, ए को क्रेडिट कर देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2A और कैश के कॉलम में आ जाएगा 4000 रुपीज. अब हम इसका टोटल करते हैं, कैश का टोटल करते हैं तो ये आता है 26000, 26000, और अगर क्रेडिट साइड में देखते हैं तो सिर्फ एक फिगर है 2000, तो 26 में से 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच गया कैश का 24000 रुपए. अब हम बैंक कॉलम पे आते हैं, बैंक के केस में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड ज्यादा आ रही है और पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 26800 यानी कि 26800, और अगर हम डेबिट साइड का टोटल देखते हैं तो सिर्फ 6000 है, यानी कि पेमेंट साइड है 26800 और रिसीप्ट साइड का टोटल है सिर्फ 6000, तो 26800 में से हम 6000 माइनस करते हैं तो बैंक का बैलेंस यानी कि हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और ये अमाउंट आ रहा है 20800 और ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है. क्यों है ओवरड्राफ्ट, क्योंकि क्रेडिट साइड पेमेंट साइड ज्यादा है. अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, डिस्काउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 200 और जो हमारी डेबिट साइड है वहाँ कोई डिस्काउंट में अमाउंट ही नहीं है, तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड तो नहीं है, बस सिर्फ डिस्काउंट रिसीव है 200 रुपए. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने 3 कॉलम कैश बुक के ऊपर एक एग्जांपल और समझा जिसमें हमने बैंक ओवरड्राफ्ट डिस्कस करा, चेक एंडोर्स होता है तो उसको कैश बुक में कैसे डाला जाता है, और अगर चेक मिलता है और उसको हम जमा सेम डे नहीं करवाते हैं तो अगर उसको कैश मानते हुए डील किया जाए तो कैसे डील करना है, वो इस क्लास में हमने समझा. आई होप यू विल लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.